हेलो एवरीवन, इसके डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 42 सेस्ट की ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। ब्लाउज के पीस पे बहुत लोग को 42 सेस्ट की ब्लाउज की कटिंग करना नहीं आता, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को ध्यान से देखें। एक बार में ना समझ में आए दो बार देखें, क्योंकि जब से आपको समझ में नहीं आया तब से ब्लाउज को कटिंग नहीं करना है। अगर जब समझ में आ जाए तभी कटिंग करना है, नहीं तो आपका ब्लाउज का कपड़ा खराब हो जाएगा। अगर कस्टमर का कपड़ा होगा तो उसको दूसरा देना पड़ेगा। तो इसलिए एक से दो बार देखिए, दो से तीन बार देखिए, जब से आपको परफेक्ट तरीके से समझ में ना आ जाए तब से ब्लाउज को कटिंग नहीं करना है। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, हम एक मीटर का कपड़ा ले लिए हैं। कपड़े को अच्छी तरीके से फैलाना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, कपड़े को इस तरह से फैला लेना है, फैला के अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। सेट करके कपड़े को डबल फोल्ड में रख लेना है। यहाँ पर देख लीजिए, 42 का हमारा चेस्ट है, तो उसका आधा करेंगे तो 21 इंच आएगा। तो 21 इंच फिटिंग पे निशान लगा लेना है। 4 इंच हमें लूजिंग पे निशान लगा लेना है, 2 इंच इस तरफ से, 2 इंच इस तरफ से। अब कपड़े को डबल फोल्ड में रख लेना है। अब जहां से निशान लगा है वहां से कटिंग कर देना है एक्स्ट्रा कपड़े को। तो यहाँ पर देख लीजिए, कटिंग हो चुका है। एक्स्ट्रा कपड़े को बगल में रख लेना है। कपड़े को अच्छी तरीके से फैला लेना है, फैला के अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। तो हमारा आगे का पार्ट बड़ा रहता है, पीछे का पार्ट हमारा छोटा रहता है। तो इस तरीके से देख लीजिए, हम फोल्ड कर लिए हैं। अब नीचे की तरफ से 1.5 इंच सिलाई मार्जिन पर निशान लगा लेना है। इस निशान को सीधा लंबाई पर मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, निशान लग चुका है। तो यहाँ पर लंबाई है 14 इंच फिटिंग, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लिए हैं। अब इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ऊपर की तरफ से हमें शोल्डर पे 6 इंच पे निशान लगा लेना है। सेम इसी तरीके से नीचे की तरफ से भी 6 इंच पे निशान लगा लेना है। आर्मोल भी हमें 6 इंच पे निशान लगा लेना है। आर्मोल पे हमें गोलाई का शेप दे देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पीछे का आर्मोल है, आधा इंच अंदर की तरफ से लेंगे, वो हमारा आगे का आर्मोल होगा। ये देख लीजिए इस तरीके से। गले पे निशान लगा लेना है 2.5 इंच पे, ये हमारा पीछे का गला है। नीचे की तरफ से 10.5 इंच पे निशान लगा लेना है। ऊपर की तरफ से 2.5 इंच, नीचे की तरफ से 3 इंच पे निशान लगा लेना है। इस निशान को इस निशान से मिला लेना है। ये देख लीजिए स्केल रखकर। तो यहाँ पर देख लीजिए, चौकोर बॉक्स बन चुका है। चौकोर बॉक्स में हमें यहाँ पर थोड़ा मेट का शेप देते हुए निशान लगा लेना है गले पे। तो यहाँ पर देख लीजिए, निशान लग चुका है। अब हमें आगे गला निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, नीचे की तरफ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर की तरफ से 2.5 इंच, नीचे की तरफ से 2.5 इंच, सेम बराबर रहेगा। तो यहाँ पर भी गोलाई का शेप दे देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आगे और पीछे गला पर निशान लग चुका है। तो यहाँ पर कटिंग कर देना है। पहले हम आर्मोल से कटिंग करेंगे, पहले हम पीछे की ही आर्मोल से कटिंग करेंगे, आगे का आर्मोल हम बाद में कटिंग करेंगे, और हम आगे का गला कटिंग करेंगे, पीछे गला हम बाद में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, कटिंग हो चुका है। दोनों पार्ट को अलग कर देना है, दोनों एक में ज्वाइंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अलग हो चुका है। आगे वाले पार्ट को बगल में रख लेना है, पीछे वाले पार्ट को सेम इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर गला कटिंग कर देना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए, कटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर देख लीजिए, 13 इंच इसकी चौड़ाई है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 7.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। अब ऊपर की तरफ से यहाँ पर देख लीजिए, 4 इंच पे हमारा फिटिंग है, 1.5 इंच तो सिलाई मार्जिन में ही चला जाएगा। तो यहाँ पर कट लगा लिए हैं। कपड़ा हमारा डबल में, ये देख लीजिए, फैला के दिखा देते हैं इस तरीके से। इस पार्ट को बगल में रख लेना है, ये हमारा कंप्लीट है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आगे वाला पार्ट ले लिए, कपड़ा हमारा डबल में है। अब यहाँ पर सीधा एक निशान लगा लेना है, हल्का निशान लगा है तो उसको हम गाढ़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर नीचे की तरफ से यहाँ पर देख लीजिए, 11.5 इंच पे निशान लगा लेना है तीरा के लिए। ऊपर की तरफ से 1 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर इस तरह से क्रास में मिला लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, तीरा पे निशान लग चुका है, इस तरीके से शेप दे देना है। जहां से निशान लगाए वहां से कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, कटिंग हो चुका है। अब तीरा को डबल कर लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर कटिंग कर देना है एक्स्ट्रा कपड़े को। तो यहाँ पर देख लीजिए, कटिंग हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें 1.5 इंच निकाल देना है, क्योंकि 1.5 इंच का हम प्लेट लगाएंगे बीच में। दोनों तीरा एक में है, जिसे कटिंग करके अलग कर देना है आगे की तरफ से। तो यहाँ पर देख लीजिए, दोनों तीरा हमारा अलग हो चुका है। अब हमें डार्ट पे निशान लगा लेना है।
यहाँ पर देख लीजिए 2 इंच हमें छोड़ देना है। अब इसकी 10.5 इंच चौड़ाई है तो इसके आधे पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है, ऊपर की तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिए इसके आधे पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब यहाँ से एक डॉट लगा लेना है निशान डॉट पर। अब एक निशान यहाँ पर लगा लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है। अब यहाँ पर कट लगा लेंगे तो दोनों तरफ हम अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। आगे की तरफ से हम कटिंग करके निकाल देंगे दोनों पार्ट एक में ज्वाइंट है। तो यहाँ पर देख लीजिए कट लग चुका है, 2 पार्ट है हमारा। तो यहाँ पर आगे वाला पार्ट भी कंप्लीट है। तो यहाँ पर देख लीजिए बाजू के लिए कपड़ा ले लिए हैं, कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पर सीधा निशान लगा लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा घटबड़ है तो नीचे की तरफ से 1.5 इंच पर निशान लगा लेना है। इस निशान को सीधा कर लेना है। ये तुरपाई करने के लिए हम फोल्ड करेंगे जो, तो इसकी लंबाई है 4 इंच फिटिंग है, दोनों तरफ से निशान लगा लेंगे। इस निशान को सीधा एक में मिला लेंगे। अब एक तरफ से यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा लेना है, 1.5 इंच हम डाउन कर देंगे। ये देख लीजिए बाजू का शेप भी देना है। यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है, इसकी चौड़ाई है 9 इंच, नीचे की तरफ से हम रखेंगे 8 इंच। इस निशान को आगे तरफ भी ले लेना है क्रॉस देते हुए, क्योंकि फोल्ड करने के बाद इस तरीके से आ जाता है। तो जहां से निशान लगाया वहां से कटिंग कर देना है बाजू को। तो यहाँ पर देख लीजिए कटिंग हो चुका है, नीचे की तरफ से स्टार कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। आगे की तरफ 1/2 इंच डाउन कर देना है इस तरीके से निशान लगा के, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए निशान लग चुका है, जहां से निशान लगाया वहां से कटिंग कर देना है डबल फोल्ड करके। तो यहाँ पर देख लीजिए कट भी लग चुका है, यहाँ पर एक कटाव लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों बाजू हमारा कंप्लीट तैयार हो चुका है, इसको बगल में रख लेना है। अब यहाँ पर कपड़ा ले लिए है, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, तो इससे हम क्रॉस पट्टी कटिंग करेंगे पाइपिंग लगाने के लिए गले पे। तो सवा 1 इंच चौड़ाई देना है आपको। तो यहाँ पर जहां से निशान लगाया वहां से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए कटिंग हो चुका है, एक्स्ट्रा कपड़े को बगल में रख लेना है। तो इसमें 2 पीस निकला है क्योंकि हमारा कपड़ा डबल में था। तो यहाँ पर देख लीजिए आर्मोल वाली पट्टी हम ले लिए हैं, उसमें से काज और बटन पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए हम डबल फोल्ड में किए हैं और इसकी चौड़ाई रखेंगे 3 इंच और लंबाई रखेंगे यहाँ पर देख लीजिए 9 इंच। सीधा कटिंग कर देना है, दोनों पार्ट एक में ज्वाइंट है तो इसे कटिंग करके अलग कर देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए काज और बटन पट्टी दोनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा पीछे वाला पार्ट हो चुका है, ये हमारा आगे वाला पार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख लीजिए ये हमारा तीरा हो चुका है और यहाँ पर हमारा बाजू हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा क्रॉस पट्टी हो चुका है। तो यहाँ पर देख लीजिए कंप्लीट कटिंग हो चुकी है ब्लाउज की। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, नए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।